हो भाइयों, ग्रीन स्क्रीन का असली इस्तेमाल करना कोई इनसे सीखें इनसे। कुछ कितना हो रहा भाई, ये अलग ही मौज में भयंकर, फुल मौज। सुख आनंद सब प्राप्त हो गया इसे वीडियो बनाने के बाद। अरे भयंकर भाई, अगर ये लड़की ने वीडियो देख लिया साला, सदमे में पहुंच जाएगी वो। स्वागत आपका नई वीडियो में। मैंने मेरी सेकंड लास्ट वीडियो में पूछा था कि तुम्हें इस पाकिस्तानी शो के ऊपर पूरा वीडियो चाहिए क्या? क्रिटिसिज्म को कैसे फेस किया? मेरे ख्याल से जो है ना, ये जिस मुआशरे में हम रहते हैं ये जरूरी है। अगर आपने सह लिया तो आप आगे बढ़ गए। आपने कितना सहा है? सही रहा हूँ अभी तक। अभी तक सर दर्द हो रहा होगा। मैं क्या कर रहा, बकरी है क्या भाई? तुम सब ने बोला हाँ भाई, जल्दी से बता दे, तो मैंने सोचा भाई ठीक है जल्दी से ही बना लेते हैं। गाइस, मैं तुम्हें इस शो के बारे में थोड़ा सा बता दूं। पाकिस्तान के जो भी टिकटॉकर्स या फिर इंस्टाग्रामर्स होते हैं फेमस, वो इस शो के अंदर आते हैं इंटरव्यू देने। लेकिन ये जो एंकर है ना, ये इन सबकी ले लेती है। अच्छा, दुश्मन तो पाले होंगे जिंदगी में बहुत ज्यादा होता है। नहीं, मेरे बहुत से दुश्मन है, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि मुझसे बच के रहें। क्योंकि मुझे कमर में दर्द है। वहाँ बैठा के जिंदा रोस्ट कर दिया भाई ने मासूमों को बिना खबर लगे। पता ये एंकर कौन है? मो वाला मीम याद है? और वाला पाकिस्तानी मीम जो था, आज अपने कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं आज आप। और आपके मम्मी मुझे चूसना है। वही है ये, मेरी 18 होने वाली है। 18 होने वो अभी तक तो मतलब वैक्सीनेशन अगले साल लगेगी है ना? अगले साल या इस साल? इसी साल अक्टूबर में। इसी साल, ओके ग्रेट। गाइस, मैंने भी अक्टूबर के अभी शुरू में वैक्सीन लगवा ली थी, तुमने नहीं लगवाई तो जल्दी लगवा लो। अक्टूबर खत्म होने वाला, उससे पहले वैक्सीन लगवा लो, ठीक है? मैंने भी अक्टूबर में लगवाई थी। मुझे क्या पता डंडा आया, नाचते हो? नहीं, नाचते नहीं हम। तो क्या करते हो? ये टिकटॉक वाले करते हैं। एक्सक्यूज मी, भाई ये तो एक्सप्लोजन की तरह फटना शुरू हो गया भाई ये बंदा। भाई इसके मुंह से अक्टूबर सुन के तो मुझे लगा है शांति से बैठा रहेगा पूरे टाइम, लेकिन डैमेज हो रहा है। टिकटॉक वाले करते हैं हम बोल वाले औकात में आ जाओ फौरन। हम बोल वाले, ज्यादा नहीं वाले नहीं है। तो बोल पे आके तुमने कौन सा एहसान कर लिया चैंपियंस में आके, ये बता दो मुझे। भाई लड़की से दो जोक नहीं सह गए, गुस्सा हो गई है वो तो। अच्छा, अभी चुप रहने वाला। कौन सा एहसान कर लिया चैंपियंस में आके, ये बता दो मुझे। बोलेगा तेरे साथ बैठा हूं, एहसान नहीं है इसकी उसमें। खतरनाक है, लोडा तो मैच रोज करने भी लगा हुआ है। तुम्हें कैसे लगा वो शो? आर यू स्टिल ऑन? मजा आता है, हम लोग अभी उसी शो में। ओह बहुत मजा आता है उस शो में। मुझे बताओ कौन है लीस्ट डिजर्विंग पर्सन डाउन देयर? अहमद कौन? ये तुमने मेरे साथ गद्दारी की है सर बैठ कर? क्यों ठीक है, क्योंकि ये डिजर्व मैं भी कर सकती थी, तुम्हें अहमद ही क्यों याद आया? डिजर्व नहीं, लीस्ट डिजर्व। नादान परिंदे, आजा भाई आसमान से नीचे आजा उतारा। दीदी किस हवा में उड़ रही हो तुम? अभी भाई एपिसोड के स्टार्ट में बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई की बात कर रही थी, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है तू, जहाँ पे यही नहीं सिखाया जा रहा लीस्ट डिजर्विंग और डिजर्विंग में क्या डिफरेंस है? जो है मीडिया साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। इसका रिएक्शन देखो मैं। मेरे साथ गलत कर रहे हो तुम। अहमद कौन? ये तुमने मेरे साथ गद्दारी की है सर बैठ कर? क्यों क्या, क्योंकि ये डिजर्व मैं भी कर सकती थी। तारे जमीन पर मैच हंसी आ रही यार, मुझे पता नहीं इसमें इतनी ज्यादा क्यों। ओके तो सेलेक्ट हुआ उसके बाद सेलेक्ट होने के लिए लाइक क्या क्या? मैंने हरी मिर्च खाई थी। क्या हरी मिर्च खाई थी? हरी मिर्चे, ओ माय गॉड, क्यों? तुम हरी मिर्च खा सकती हो? खा तो सकती हूँ लेकिन खाने के साथ। ये दिमाग खाती है बस। अलग ही मजाक उड़ा रखी भाई टिकटॉक वालों की, तो सालों को इज्जत ही नहीं है। इतने लड़ाकू थे वकार के शो पर। जी जी, तो भाई लड़का वकार जका के शो से आ रखा है। अरे वही वाला शो भाई जिसमें नाक से सांप डाल के निकलवा देते हैं मुंह से। इरादा मतलब उसका और कहीं से रहता है लेकिन निकालते मुंह से ही है। अभी भाई ये इतना सारा सैवेज होता जा रहा है, वहां जाके वकार जकर की उड़ाई होगी इसने बढ़िया करके। भाई अभी उसका एक वीडियो देखा, पहले तो एक ही सांप मुंह में डलवा रहा था नाक में, दो डालने को कह रहा है कंटेस्टेंट को। नाक से डाला था सांप और मुंह से निकाला था, एक ही टेक में किया था। लड़की ने एक किया है तो इसको कितने करने चाहिए? सर दो करने चाहिए।
एक में डालोगे पहले, फिर दूसरे में भी डालोगे, दोनों निकालोगे मुंह से। भांस वाला मदारी का खेल चल रहा भाई, नाक से सांप डाल के मुंह से निकालना। तू होस्ट है ना यहाँ का, तू खुद साले अपनी गाड़ में डाल के निकाल के दिखा पहले। नहीं अपनी भी नहीं, तू दूसरे की में डाल, अपनी से निकाल। नाक से डाल के मुंह से निकालूंगा, कोई और भी रास्ता तो देख लो। बहुत रास्ते पता है भाई, ये साला ये प्रैक्टिस करता होगा भाई पहले, मतलब खुद पे तरीके आजमा रहा होगा कि अभी मैं पहले नाक से डाल के बाकी जगहों से गांड से निकालनी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, बाद में किसी कंटेस्टेंट से भी करवा दूंगा। अब इस बड़वे को अभी तक अकल नहीं आई भाई, कीपैड के जमाने से ट्रोल होता आ रहा है, अभी तक उल्टी सीधी हरकतें कराता जा रहा भाई। इसका शो चल गया जरा, मैं तो ये सोच रहा हूँ 19 की हो गई हूँ, 19 की हो गए, माय गॉड, हाउ 19 की कैसे हो गई, चलते चलते जिंदगी गुजर रही है। ओके, गुजर रही है, धक्का मार रही हो, धक्का नहीं मार रही, एंजॉय भी कर रही हूँ, एंजॉय भी कर रही हूँ। एंजॉय क्या कर रही हो बताओ, कैसे एंजॉय किया जाता है, कैसे एंजॉय किया जाता है, धक्का मार के एंजॉय किया जा रहा है। ए भाई ये ज्यादा हो रहा है इसका। हाँ मैंने बोला ना कि शो के अंदर मासूम मासूम लोग आते हैं, इन्हें समझ में नहीं आता कि क्या बातचीत चल रही है, ये भाई डबल मीनिंग बातें घुमा देगी उतने में। तुम बताओ तुम्हारी इस बॉडी की वजह क्या है। दिन भर हाथ में लेके हिलाता रहता है ना फोन, ट्रांजिशन वीडियो बनाता है ना, चिच्चो कर है ना, तो भाई इसीलिए खाना पीना छोड़ के एकदम वीडियो बनाने लगता है, तो इसीलिए थोड़ी सी है तो उसकी ऐसी है। आपके मम्मी मुझे चूसना है। क्या राजा, बहुत छोटी फॉलोअर्स है आपके, मेरे 1.2 मिलियन। ओके, कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन है ये चूते लोग जो बहकर फॉलो कर दे रहे हैं, कोई टैलेंट नहीं था, मतलब टैलेंट था हिडन था, तो किसको अंदर जाकर किसने बाहर निकाला, अंदर जाकर किसने बाहर निकाला, कोई अंदर गया था, वो खुद ही निकालता है। ओके, वो तुम खुद अंदर घुसी भाई, ये शो साला पक्का टीवी पे आता पाकिस्तान में। अबे डबल मीनिंग पे डबल मीनिंग बातें करी जा रही है, वो डबल मीनिंग सवाल पूछे जा रही है, के अंदर एक ना एक टैलेंट होता है जो, नो डाउट। तो फिर ये आप तो चुप रहे, आप इग्नोर मोड पर है, यू आर ब्लॉक, दिल से बुरा लगता है भाई। माना उसकी सेहत अच्छी नहीं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी उसको बोलने का मौका नहीं मिला जाएगा, गलत बात। गर्ल टॉक, वो हमें खुद से निकालने का एक टाइम बहुत जा रही है। हाँ। यार समझ गया दोस्तों कि सामने दोनों को बैठा के उनकी ली जा रही है, मतलब बेइज्जती की जा रही है। मैं भाई मैं भी अजीब बोलने लग रहा हूँ, अच्छा कंट्रोल करता हूँ मैं थोड़ा। आप भी बहुत जा रही है, आम का जूस पिया था अभी एक महीने तो पहले, आम आया ही नहीं है। हाँ खाता हूँ, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। खेला ओ भाई, लेजेंड इज हियर, खेला हाँ सला, उसके मुंह में पूरा का पूरा आम ठूस दिया है बे। थोड़ा सा एक ट्रेलर होता है वो आप थोड़ा सा गुनगुना ले। ईमानदार 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 ईमानदार, ये दुकानदार क्यों लग रहे तुम, ये उंगलियों से कौन सा डांस हो रहा है बे, बारात में है। ईमानदार ईमानदार, चाचा की शादी है जो ऐसे नाच रहा है। ईमानदार ईमानदार, बोल रहा उंगली नहीं दिखाया, खत्म। शादी में 10-10 रुपए लेने के लिए बच्चे नाच रहे होते हैं ऐसे, जैसे भी ईमानदार ईमानदार कर रहा है। मुझे लाइक मॉडलिंग एंड उसमें ज्यादा करना था, तो क्या करना था मॉडलिंग में, क्या करना था लाइक ब्रांड शूट्स और जो होते हैं। साले का एक्सप्रेशन देखा, एक नंबर का ठरकी लौंडा बैठा है वो उधर साइड में, वो जो मोहल्ले के जिंदा हरामी लौंडे होते हैं ना उनमें से एक है वो। क्या करना था लाइक ब्रांड शूट्स और जो होते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए, जो कितने बड़े, इतने बड़े, इतने बड़े, इतने बड़े, समझ रहे हो? ओए ओए ओ भाई ये एडिटर भाई, जूनी ट्वीट्स कहाँ जूम कर रहा है तू, तो बड़े बड़े पे, हाँ गलत बात, ठीक ऐसा नहीं करते हैं, इतने बड़े, इतने बड़े। सो गाइस बस ये वीडियो में तेरी खत्म करते हैं, काफी ज्यादा डबल मीनिंग जोक सुन लिया और क्रैक कर लिया आज। एक चीज तो है, ये जो शो है मतलब कि उसमें देखा है, लोग जाते हैं, लोग जाते हैं रोस्ट होने के लिए, उनको पता है कि देखा तो होगा क्या होता है, जाएंगे फिर भी रोस्ट हो गया। बंदी बहुत खतरनाक है, खतरनाक बिठा बिठा के भाई साहब, वो भी था ना कि टैलेंट दिखाने को बोला है, ऐसे हाँ, शकल नहीं, ऐसे टैलेंट दिखाने को बोला, लेकिन टैलेंट इसका देखना क्या बोलते हैं, वो कह रहे हैं तो तुम्हारी सेहत का राज क्या है। कौन निकालता है इस टैलेंट को बाहर, क्या है, कैसे है भाई? धीरू भाई ने जो इस शो को रोस्ट करा है ना, मतलब टिप्पणियां जो करी है देखो, बहुत ही गजब, वो टिकटॉकर रोस्ट करते हैं, भाई ने शो रोस्ट कर दिया, प्लस
वो जो सांप निकालने वाला आदमी है वो पहले खुद एक्सपेरिमेंट करता है उसका, उसमें उसने बोला ना कि तू कीपैड के जमाने से रोस्ट होता आ रहा है और अभी तक रोस्ट हो रहा है फिर भी तैयार है भाई। लेकिन फैन फॉलोइंग भाई की स्ट्रांग है मेरे हिसाब से कि हमेशा जब भी रोस्ट होता है सबसे पहले लोग पहुंच जाते भाई अब देखना बकार बकार तक है इसी पे बनाओ मेरे को और देखना है। हाँ ये वाकई टीवी पे याद है भाई ने वो सच में टीवी पे आता है कि नहीं। हाँ ये शो सच में टीवी पे आता है और मतीरा जो है वो ऐसी ही है वो मतलब लोगों की लेती है तो कोई नहीं अच्छा है। मुझे भी मतलब बोला था कि तुम आओ हमारे शो पे मगर मैं नहीं गई क्यों क्योंकि मेरे को डर लगता है ये इंस्टाग्राम शो था मतीरा का लेकिन मैं गई नहीं क्योंकि ना पैसे वैसे उन्होंने देने नहीं होते ऐसे ही बुलाते भाई हम क्यों जाए क्यों अपना टाइम वेस्ट करें यहाँ जाकर इसलिए मैं नहीं गई। फेम तो मिल जाएगी लेकिन कैसी फेम वो इतना मतलब लेती है वो बैठा के ले वहीं पे और बेइज्जती सब बोलेंगे ओहो ये देखो ये क्या हो गया। इस शो पाकिस्तान में जा रहा है जहाँ पे इतना कुछ लोग कहते हैं कि ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते ये हमारे यहाँ गलत है वो हमारे यहाँ गलत है औरतें ये नहीं कर सकती लड़कियाँ ये नहीं कर सकती ऑल दैट लेकिन लिटरली ये शो वहाँ पे लाइव मतलब वहाँ पर एयर हो रहा है टीवी पे घर घर जाता है और लोग देखते हैं और जब एक चलो एक को समझ में नहीं आया एक कोई बंदा वहाँ गया उसकी उसका इंटरव्यू लिया और वहाँ पे उसकी बेइज्जती हुई उसकी बेइज्जती की गई जिस तरह से वो लड़की जो भी होस्ट है वो जिस तरह से इंटरव्यू लेती है बेइज्जती ली एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ के बाद तो समझ में आ जाता है ना कि बेइज्जती होनी ही होनी है। जैसे कपिल शर्मा के शो में चले जाओ आप तो वहाँ पे अगर जिस ऑडियंस ने बात करनी शुरू करी उसकी भी बेइज्जती होनी ही होनी है क्योंकि कपिल करता ही करता है बट दैट इज अ फन थिंग वो मजाक में हो रहा है और वो जोक वे में हो रहा है इस तरह से नहीं हो रहा। यहाँ पे तो सामने सामने बैठ के रोस्ट किया जा रहा है और फिर भी लोग जा रहे हैं यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए मतलब सिर्फ कुछ व्यूज के लिए और